आपका टारगेट भी था। जिससे क्लास में मैं हूँ अजय कुशवाहा, लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के 20 प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज मिसलेनियस से प्रश्न देखेंगे, 20 प्रश्न आपके विविध से होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में बाय स्काउट, बॉल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। ऑप्शन ए चार्ल्स एंड्रयूज, ऑप्शन बी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ऑप्शन सी रिचर्ड टेम्पल, ऑप्शन डी बेडेन पावेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेडेन पावेल। ठीक है, बेडेन पावेल भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता थे। ठीक है, बाय स्काउट का प्रारंभ भारत में किया गया था 1909 ईस्वी में, और सिविल गाइड आंदोलन का 1911 में शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? बेडेन पावेल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। सेकंड, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। और थर्ड, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 1, 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वर्ष 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, न कि जवाहरलाल नेहरू, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। और संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? यहाँ पे यह छूट गया, कार्य किया। ऑप्शन ए गांधी व तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वीपी चंद्रपाल अरविंद घोष, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गांधी व तिलक। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक वीग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी संजीव रेड्डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक वीग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी वीग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। और वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, आपको याद होगा प्रथम अध्यक्ष अपने लोकसभा के स्वतंत्र भारत के वही बने थे, जीवी मावलंकर जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1956, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1956, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर 1959। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1956। प्रख्यात संविधानवीद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1800
91 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उनके मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। और मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वी आर अम्बेडकर। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरु के नाम से जाने जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उनके साहित्य की गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1941 में, ऑप्शन डी 1765 में। इनका जन्म अभी हमने बताया था ऊपर कि 7 मई 1861 को हुआ था। ये 14वें बालक थे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1941 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की थी, अभी हमने ऊपर भी बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी देवीलाल ने, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए है, यहाँ पे ठीक है पकड़ना चाहिए, यहाँ पे पढ़ना हो गया है, ये होगा पकड़ना। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी शौकत अली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, किस समय महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू आर डाई का नारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ऑप्शन ए एम एस जिन्ना, ऑप्शन बी क्लिमेंट रिचर्ड एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा
वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए जगजीवन राम को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी सरदार पटेल को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं कर सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1842 में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1854 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई, ये असफल रही। तो इसके बाद सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही काव सजी डाबर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पाइनिंग एंड वीमिंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था, स्पाइनिंग एंड वीमिंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोखले। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह वक्तव्य भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। ऑप्शन सी भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन डी 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। यह गलत है क्योंकि विरोध नहीं समर्थन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे समर्थन शब्द है ना कि विरोध शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित ऑप्शन ए नरेंद्र दे से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन सी एम आर मसानी को, ऑप्शन डी अशोक मेहता को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूला भाई देसाई, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। ठीक है, नवंबर 1927 में जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ भी गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ऑप्शन ए फ्रैंक मोरेस, ऑप्शन बी डोम मोरेस, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी वेब मिलर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंक मोरेस। आयरलैंड के, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस हैं। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित चार रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग कर राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। ऑप्शन ए वायकॉट, ऑप्शन बी घेराव, ऑप्शन सी बंद, ऑप्शन डी हड़ताल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वायकॉट। ठीक है, आयरलैंड के सीसी वायकॉट के नाम पर ही वायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी वायकॉट ने सर्वप्रथम 1880 में भू राजस्व कम करने न करने भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। यह के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं टारगेट विथ अजय सर के नाम से, और 9910471615 का आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कल मिसलेनियस का सेकेंड पार्ट होगा, इसमें से 7-8 वीडियो मिसलेनियस से बनेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।